हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी 7 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं। अभी मैंने देखिए चावल भी उबल रहा है। हम ना जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, फिर सब उनसे पोछा झाड़ू का काम करते हैं। तो नहाते ना मेरा तो एकदम नहीं करने का मन करते, थक जाते हैं। मतलब मेरा दाल चढ़ा दिए हैं, अभी रोटी बनाएंगे और यहाँ पर सब्जी बनेगा। आज कद्दू का सब्जी बनेगा, ये देखिए कद्दू बनाएंगे, उसके साथ पूरी देंगे। और ये है खेक्सा और करेला, आज फ्राई करेंगे। ये बहुत दिन हो गया बन ही नहीं रहा है, देखिए कैसे येलो येलो हो गया है, ख़राब भी हो गया थोड़ा सा। देखते हैं काट के, और इतना सुंदर दिख रहा था टमाटो तो ऊपर से, देखिए अंदर से कैसे सड़ गया है, इसलिए इसको फेंक देंगे। और दाल में ना थोड़ा सा पपीता देने से अच्छा लगता है, हेल्दी भी बन जाता है। पपीता तो ऐसे खाने का मन नहीं करता है, दाल में देने से वो तो पेट में जाता है, क्या दाल के बहाने। ऐसे तो खाने का मन नहीं करता है, हेल्दी टेस्टी दाल बन जाता है, तो चला जाता है पेट में। और अभी हम सब्जी बनाएंगे। किस किस को कद्दू खाना पसंद है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखने में तो ठीक ही लग रहे, देखिए कितना येलो लग रहा है ना, देखने में तो टेस्टी लग रहा है, पता नहीं कैसे होगा। जो कद्दू ज़्यादा थोड़ा सा हल्दी हल्दी रहता है ना, मतलब येलो येलो, तो वो मतलब और बनाने में भी हार्ड लगता है। देखिएगा काटने में जो हार्ड लगता है पूरा येलो रहता है, वो बहुत टेस्टी लगता है, लगता है जैसे चीनी दिया है। ये मतलब कैसे बनता है अभी पता नहीं, लग तो रहा है टेस्टी। इसके साथ 2 आलू देंगे, प्याज देंगे और मसाला देंगे, जीरा अदरक लहसुन। प्याज तो कुछ ही करके काट देंगे और प्याज नहीं देंगे। और करेला बनेगा, करेला और वो खेक्सा बोलता है, ठीक है। हाँ, उसको भूंजेंगे, एक तो प्याज देंगे और कद्दू के साथ अगर पूरी नहीं देंगे तो वो तो अधूरा रह गया, इसलिए पूरी देते हैं। थोड़ा सा देंगे तो हो जाएगा। और देखिए एक तो धनिया पत्ता मिला है मुझे उसके साथ ही।